नूर कनात न कर आलम रंग बू पर, चमन और भी आशियां और भी। शादी खत्म कर तलाक लेकर आ। वैसे मलेठी वाली पान का ना एक फायदा है, उससे मुंह की बदबू कम हो जाती है। क्या मतलब? मैं तो बस वैसे कह रही हूँ। इस घर में किसी भी वक्त एक और शादी हो सकती है, आपका अंगरखा और कांजीवरम की साड़ियाँ काम आ जाएंगी। आप सुनो, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, हटिए मेरे आगे से। सुनाई नहीं दे रहा, हटिए आगे से। सर क्यों परेशान कर रहे हैं आप? वो वैसे ही इतनी परेशान है, डाइवोर्स हुई है इसकी अचानक, और अगर आप इस तरह से ड्रामा क्रिएट करेंगे तो उसकी जॉब भी चली जाएगी। सर दाशी, जाओ यहाँ से। अम्मी, कभी कभी तो घर में ड्रामा वाली इंटेंस सिचुएशन आती है, आप उसमें भी भगा दे मुझे। दाशी जाओ। भाई तुम जाती हो या? अच्छा ना जा रही हूँ। हद है भाई, अब ऐसी बेसरोपा और बकवास बातों पर रिश्ते तोड़े जाएंगे। कौन तोड़े? कोई तोड़कर तो दिखाए। हम मुंह ना तोड़ दे इनका। आपा, अब आप खुद बताइए, शादी के शुरू के दिनों में इनको कितनी आदत थी कच्चा प्याज खाने की, जब बात करते थे तो मुंह से। फरीदा, अरे आंखें क्यों दिखा रहे हैं? मिसाल दे रहे हैं, फिर हमने हर रोज रात को कवाम वाला मीठा पान खाने की आदत डलवाई, बस खत्म हो गया प्याज की भूख का चक्कर। भाई मेरी बात सुनो, वो जब भी तुमसे मिलने आता है, लंच ब्रेक के बाद मिलने आता है ना, खा पी के आता होगा। हाँ, ऑफिस में कहाँ मौका मिलता होगा दांत साफ करने का। खुदा के लिए ये मौजू खत्म करो, मुझे तो वहशत हो रही है, और ये कोई बातें करने वाली। पप्पू आपको नहीं पता, ये एक बहुत सीरियस मसला है। ये तो तमाशा बनाने वाली बात हो गई। क्या बताएंगे हम लोगों को रिश्ता तोड़ने की वजह? असल में जल गई है लड़के की खूबसूरती से। असल बात ये है आपा, अब किसी को भगार लगे तो लगे, हम तो सच बात कहेंगे भाई। अम्मी आप तो रहने ही दें, मुझे पता था कि आप यही पॉइंट ढूंढेंगी। इसको ये लगा होगा कि शादी के बाद सब इसकी बजाय उसके कसीदे पढ़ेंगे। अरे भाई पढ़ने दो, शौहर है तुम्हारा, तुम क्यों खुद को कमतर समझ रही हो? भाई हर लिहाज से अच्छा लड़का है, झुक झुक के मिलता है, और मुझे बड़े प्यार से अब्बा कहता है। माँ के अलावा कोई टंटा नहीं, बहनें सारी भी आई हुई हैं। और नहीं तो क्या, ऊपर से इसके ये नखरे और बकवास है। अब निकाले ये मौजू, इसको हम ठीक करके रख देंगे। मैं इसको समझा लूंगी, लेकिन आप लोग भी बस करें यार। हाँ समझा लेना इसे सही तरह से, हम पहले ही बहुत परेशान हैं। एक तो तुम तलाक लेकर आ गई, ऊपर से ये। कभी देखा है ऐसा ड्रामा जिसमें इस वजह से रिश्ता टूटा हो? वो भी यही कह रही थी ऊपर। तो था नहीं आप लोग और आपके ड्रामे। अनवार रह क्या गया है हमारी जिंदगियों में ड्रामे के अलावा? कभी कभी लगता है कि तुम सारी जिंदगी खिलन रहे बने रहोगे, और तुम्हारी बीवी जल जल के और भी बुढ़ी होती जा रही है। वो तुम्हारे इस अंदर के खिलन रहे लड़के से बहुत खौफजदा है। तुम तेज तेज भागने वाले और सांस उसकी फूल रही है जोर जोर से, वो नहीं चल पाती तुम्हारे साथ। देखिये माँ जी, मैं सिर्फ एक बात जानता हूँ, जब तक मेरे अंदर ये लड़का जिंदा है ना, तब तक मैं जिंदा। जिस दिन ये लड़का नहीं रहा उस दिन समझे मैं भी टाइम फिश। हाय अल्लाह ना करे, हटो।
और वो जो नौकरानियों के पीछे तो... अरे अम्मा छोड़े ना, अब भी क्या बात लेके बैठ गई। अरे भी थोड़ा सा फ्लर्ट कर लिया, क्या हो गया? जरा से किसी की आंखों की तारीफ कर दी या किसी को मुस्कुरा के देख लिया, इंसानियत के नाते सिर्फ, और क्या। तुम भी ना एक नंबर के उल्लू हो। माँ जी, ऑन सीरियस नोट्स, मैं शादी करना चाहता हूँ। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, उल्टी सीधी लड़कियों के साथ फ्लर्ट करने से बेहतर है कि तुम शादी करो। आपको पता है जहाँ यासिर की शादी होने वाली थी ना, बस वहां उस लड़की को मैंने एक दफा देखा और मुझे मुझे लगा माँ जी जैसे फ्लर्ट के अलावा भी जिंदगी में कुछ है। उसने मेरे दिल में घर कर लिया। वो जिस लड़की से हम, वो यासिर की बात चल रही थी ना शादी करने वाले, उसकी भाभी है, उसके भाई की बीवी। ओहो तुम भी ना कहाँ कहाँ टामक टोलियां मारते फिरते। ये जो दिल है ना माँ जी, ये बहुत लाओबाली सा होता है, इसे तो मजा ही भटकने में आता है। इंसान जो है ना बहुत अनप्रेडिक्टेबल है माँ जी, ये तो बस हमारे ड्रामे वाले और फिल्मों वाले दिखाते हैं कि इंसान बहुत प्रेडिक्टेबल है। वो तो उम्र में तुमसे आधी होगी। आधी ही है, लेकिन आप जानती हैं ना ये आजकल की लड़कियां जो हैं इनको मैच्योर मर्द ज्यादा पसंद है। अरे वो हमारे जमाने के मॉडल याद है आपको, अब बुढ़ा हो गया था और बुढ़ा होने के बाद बच्ची से शादी की उसने, तो मैं कर लूंगा तो कौन सी कयामत आ जाएगी। जब सोच ही लिया है कि ये सब कुछ करना है तो फिर जवाब मत ढूंढो ना। ढूंढ तो उसे रहूंगा जी, एड्रेस करें पता उसको। हाँ लेकिन जहाँ काम करती है और उसका फोन नंबर मिलवा लो। मैं फोन कर लेता लेकिन मैं फोन करूंगा तो शायद वो बात नहीं करेगी। आपसे बात करके देखें। हैं? क्या बोलूं मैं, क्या कहूंगी? ये नहीं पता आपने क्या कहना है क्या नहीं। मैं सिर्फ एक बात जानता हूँ कि मेरी माँ जो है वो बहुत इंटेलिजेंट है, वो नामुमकिन को मुमकिन बनाना जानती है। हाँ सोचती। ये क्या तुम कस्टम वालों की तरह से चीजें अटक पटक कर रही हो? 3,350 दिए थे आपके भाई को, ये लेकर आए हैं। जरूर अपनी किसी चीज के लिए डंडी मारी होगी। अरे कैरम बोर्ड की रट लगाई भी थी उन्होंने, उसी के लिए बचा के रखे होंगे। जीता जाता इंसान, टीवी वो नहीं देखता, बस एक क्रिकेट खेलने का शौक है उसको। वो मोहल्ले के लड़कों के साथ खेल लिया करता था, मगर जब से पूले की हड्डी टूटी है उससे भी क्या। बड़ी तूतू मैं होती है अंसारी की दुकान पर। वो एक जो मैं मस्नूई चीनी लेकर आता हूँ अपने लिए, डब्बे के पीछे 40 रुपए बढ़ गए। दवाइयां अलग महंगी हो। अरे तो क्या जरूरत है मस्नूई चीनी लेने की? उस दिन टीवी पर बता रहे थे कि गुर्दे फेल हो जाते हैं उससे, बहुत मुजरे सेहत है वो। अरे भी फीकी चाय मिर्च से नहीं पी जाती। तो गुड़ डाल लिया करो ना भाई। आपा गुड़ और चीनी में एक जितनी कैलोरी होती है, ये अलग बात है कि गुड़ मुजरे सेहत नहीं है, लेकिन कैलोरी तो फिर भी उतनी होती है ना। हाँ और तो और वो दालें और ब्रॉयलर मुर्गी के निर्ख जो है ना वो तकरीबन बराबर हो गए। ना ना ना, ये ब्रॉयलर मुर्गी मत खाया करो, इससे सेहत खराब हो जाती है और यूरिन एसिड बढ़ जाता है। यूरिन एसिड नहीं आपा, यूरिक एसिड। हाँ वही। अरे भी कुछ 350 तो बचा कर लाए होंगे आप। इज्जत ही बचा के लाए। हेलो भाई, तुम भी वो बचा कर लाए जिसकी अब किसी को जरूरत नहीं है। अरे हमें भी तो बताइए कहाँ से लाएं बाकी चीजों के लिए पैसे, महंगाई भी तो सर चढ़ के नाच रही है। और नाच भी मुसरत शाहीन से कम नहीं, जोरदार और ठुमकों वाला। हसमारा के जाने के बाद उसके स्कूल के पैसे और 2-3 ट्यूशन के भी जाएंगे। पर उसकी शादी तो करनी है ना। कोई सूरत नजर नहीं आती कहीं से कुछ आने की, बस जाने ही जाने के असबाब बने रहते हैं। बात सुनो, ये तुम सारा सारा दिन टीवी ड्रामा मुंह दिए रहती हो, तो कभी कोई तरीका नहीं बताया हसीनाओं के इस किस्म के माहौल से निकलने के लिए? अच्छा नहीं दिखाते, वैसे ही कौन सी खूबसूरती है हमारी आसपास की दुनिया में जो ये ड्रामों में भी नहुसत देखें हम। आपा वो पिछले दिनों टीवी पर ड्रामा चल रहा था ना हरजाई है तू, उसमें लड़की ने अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए अपने शौहर की दूसरी शादी एक बहुत मालदार औरत से करवा दी। क्या ठाट थे उसके। वाह, ये तो उसका अंजाम नहीं देखा, कैसे मजारों पर जाती है,
कैसे बैन करती है जब उसके शौहर ने अपनी मोहब्बत से बेदखल कर दिया था। वैसे मैं तैयार हूँ इस ऑप्शन के लिए। पता था हमें आप हमेशा से राजी थे। अरे इंजर पिंजर ढीले हो जाए मर्दों के, लेकिन उनके शौक खत्म नहीं होते। ये बताओ सामिया का क्या सोचा है? कर ली ना उसने अपनी मर्जी, अब बैठी रहे सुकून से, करे नौकरी। हम उसकी दूसरी शादी नहीं करेंगे, और अगर होगी तो हमारी मर्जी से होगी। हाँ, झाड़ू पोछा सफाई और डस्टिंग करनी है, लेकिन डस्टिंग प्लीज बहुत एहतियात से कीजिएगा, बस ऐसा ना हो कि कोई चीज टूट जाए। और कपड़े जो है वो आप वीक में 3 बार धोइएगा। जी बाजी, शिकायत की मिलेगी। क्या हो रहा है? बानो चली गई अपना हिसाब लेकर, इन्हें रखा है मैंने सफाई करने के लिए। जाइए यहाँ से। सुनाई नहीं दिया आपको क्या कहा मैंने? जाइए यहाँ से। इमरजेंसी है, कोई मिल नहीं रही थी, किचन का काम करवाया मैंने इससे, बहुत सफाई है इसके हाथ में। मेरा ख्याल है कि तुम रहने दो, मैं खुद ही कहीं से अरेंज करता हूँ कोई फुर्तीली और जवान लड़की। और खूबसूरत। Why not? तुम्हें क्यों आग लग रही है? इसमें बुराई क्या है? तुम जानती हो कि मैं हुस्न परस्त आदमी हूँ, मैंने तो अपने बचपन में कभी बदशक्ल मासी घर में नहीं रहने दी। मुझे कब तक रहने देंगे? शुक्र करो कि तुम यासिर की माँ हो। कितनी दफा तुम्हें बताया है, तुम मेरी पहली बीवी, मलिका हो इस घर की, मलिका बनना सीखो ना। शादी कब कर रहे? कर लूंगा, क्यों? कसम खुदा की शिद्दत से इंतजार है मुझे। हारते हारते इंसान की जिंदगी में एक ऐसा मौका आ जाता है जहां उसे अपनी हार अच्छी लगने लगती है। तुम भी आजकल उसी फेज में हो, माय डियर लूजर वाइफ। मोहित जी सर। इतना है? अरे आगे आए। जी सर। ये क्या है? सर देखते हैं। इतना डिफरेंस? सर अभी करवा दो। शिपमेंट निकलवानी है, जल्दी करें सर। जी जी सर। जाओ, शाबाश। बेहोश कर देने वाली स्मेल आ रही है आज तो। तो तुम उससे कुछ कहते क्यों नहीं हो? बिला वजह पर्सनल हो जाएगा। खैर कितने लोग महसूस करते होंगे, लेकिन कोई कुछ बोलता नहीं। कम वक्त है भी तो इतना इंटेलिजेंट, वैसे भी मुझसे ऊपर बैठा है, बिला वजह दुश्मनी पाल कर बैठ जाएगा। हैरत है, बॉस को कुछ फील नहीं होता? उनकी नाक तो हमेशा बंद रहती है, काश मेरी भी बंद हो जाए। सबसे ज्यादा वास्ता मेरा पड़ता है इससे। वैसे एक मैंने नई टेक्निक अपनाई है। क्या? जब भी उसके रूम में जाता हूँ एयर फ्रेशनर कर देता हूँ, वो समझता है टीसी कर रहा हूँ, समझता रहा। वैसे मैं सोच रही हूँ जिस लड़की से इसकी शादी होगी असल इम्तिहान तो उसका होगा। हेलो, आप सामिया बात कर रही हैं कैफे फ्लो वाली? जी बात कर रही हूँ। लोग कहते हैं आवाजें एतबार कायम करती हैं और तोड़ती भी, कुछ आवाजें तंबी करती हैं कि रुक जाओ यही बात, और कुछ आवाजें कहती हैं कि ढूंढो हमें, खोजो हमें, जानो हमें। अच्छा, मेरी आवाज क्या कहती है? जानने पर उकसाती है। अब आप कौन है? अब मैं पहचानी नहीं। नफीसा शेरवानी हूँ, इस्लामाबाद में होती हूँ। आजकल कराची आई, यहाँ मेरा बेटा रहता है। तुम्हारा नंबर मैंने कैफे से लिया है। मैं भी एक कैफे प्लान कर रही हूँ, अभी कुछ फाइनल नहीं है, बस जस्ट एक मीटिंग करना चाह रही हूँ तुमसे, मिल लो मुझसे। जी जी बिल्कुल मिल लेते हैं, और अगर आप ज्यादा सीरियस हैं तो फिर मैं आपको इस बारे में कुछ इम्पोर्टेंट मशवरे भी देना चाहती हूँ। तुम तो इद्दत में होगी, तुम्हें तो डाइवोर्स हो गई है ना? आपको कैसे पता चला?
बस चल गया पता। मैं चाहूंगी कि तुम सिक्योर हो जाओ, किसी पे डिपेंडेंट ना रहो, फ्यूचर की गारंटी तुम्हारे पास होनी चाहिए। मगर आप क्या चाहेंगी? I'm sorry to say, मगर बहुत अजीब सी बात की है आपने, अभी तो हम मिले भी नहीं है। मिल लो फिर कोई राय कायम करना, चलो बाहर मिल लेते हैं। मैं आपको अपने घर का एड्रेस सेंड कर देती हूँ, आप मुझसे मिलने मेरे घर आ जाओ, ठीक है? खुदा हाफिज। बच्चों ने देख लिया तो रिकॉर्ड लगा देंगे। अरे भी इतने अरसे बाद तू मेरा टूटा हुआ बटन टांग रही है। ऐसी ये पानियां बहुत खूबसूरत लग रही है। आप ही तो लाए थे जब दफ्तर के काम से लाहौर गए थे। शुक्रिया। एक तो जो है ना बहुत चीजें संभाल संभाल के रखती है। औरत जुड़ जाती है मर्द को जुड़ना नहीं आता, उसे तो सिर्फ फरार की राह अच्छी लगती है। अरे भैया ऐसा भी नहीं है, मुझे देख लो। आप जैसे मर्द तो हमें समझ ही नहीं आते, पहले क्रिकेट अब मस्जिद, आप जैसे बोर मर्द आजकल के दौर में नापैद हैं। मर्द तो बहुत रंग रंगीले होते हैं। कुछ मर्द जो होते हैं ना सिर्फ बेटा और शौहर का किरदार निभाने के लिए दुनिया में उतारे जाते। अम्मी अम्मी आपके लिए ना एक खुशखबरी है। ये तो जब खुशखबरी की बात करती है ना कोई खतरा ही होता है। हाँ बोलो भैया, अब कौन सी मुसीबत आन पड़ी? हमारे स्कूल का यूनिफॉर्म तब्दील हो गया है, नोटिस भी आ गया है, एक हफ्ते के अंदर अंदर खरीद लें वरना क्लासरूम में नहीं घुसने देंगे। लो भाई खर्चे पे खर्चा, आपके पास है कुछ? मेरे पास कहाँ से होंगे, वो हो सकता है कुछ 400-500 रुपए पड़े हो। अच्छा तुम जाओ मैं करती हूँ कुछ। सामिया से पूछती हूँ, वो रखती है अलग से पैसे, बताती नहीं है। आपने उसकी कभी तनख्वाह की रसीद देखी? नहीं। तुम खुद ही पूछ लो। आजकल तो काटने को दौड़ती है, बहुत चिड़चिड़ी हो गई। बेटियां जब कमाने लगे तो बेटों की तरह डराने लगती है। अच्छे लगते हैं मुझे वो लोग जो रोते हैं, और जो रोते नहीं डर लगता है। शादी कर लो मुझसे। हमारी शादी को नॉर्मल शादी, और तुम क्या एक्सपेक्ट कर रही थी? ये मेरी अम्मी हमारे गले में फूलों के हार पहनाती, तुम्हारे मुंह में लड्डू ठूंसती। तब जॉब पे चली जाती, और मैं तुम्हें झाड़ू पोछा करने वाली मासी बनता नहीं देख सकता। उसके लिए तो मैं कोई बहुत ही खूबसूरत सी लड़की लेकर आऊंगा। सच में और वो भी किसी औरत के लिए। मेरा जेवर चोरी करके जिसे दिया है, मेरे बाद कहां कहां से चुरा के उसे दिया करोगे, ये सोचा है तुमने? मुझे झूठ नहीं बोलूंगा, वो कह चुकी है कि अपनी बीवी को छोड़ दो। मुझे तलाक दो। मामूली सी बात, मैं खुला ले लूंगी, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मेरी तरफ से जहन्नुम में जाओ, बाहर में जाओ, और दो लफ्ज ही बोलने ना तो लो सुनो वसूल करो, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। और दिन यूं गुजरते हैं जैसे कोई ढीठ मेहमान जो आके जाने का नाम ही ना ले। गुजर जा वक्त, गुजर जा, गुजर जा। तो आप यहाँ से वक्त जाया करने आई हैं? अपने मुन्ने का हाथ पकड़े उसको ले जाए किसी फॉरेन कंट्री? और बाय द वे आपको शर्म नहीं आती? हाँ वो ऑलरेडी मैरिड है, औरत हो क्या ये सब कर रही है? वो कौन सा गलत करने जा रहा है, माशरा और मजहब कोई नहीं रोकता उसे। रोकता तो आपको भी नहीं है, बेवा की शादी तो मजीद सवाब होता है ना। हाँ देखो आपके लिए एक अच्छा सा हैंडसम सा मर्द।
नाखून चबाना नहुसत होती है। इधर लगाए ना आपने खसका, जब भी आप नहा के निकलती हैं, फ्राइड चिकन का जोड़ा पहनती हैं, खसका इधर लगाती हैं, कितनी प्यारी खुशबू आती है आपसे। और मुझे ये भी पता है कि आप खाने के बाद दो छोटी इलायचियां चबाती हैं। हाँ, मेरी बड़ी पुरानी आदत है। पता है अम्मा कहा करती थी कि सारी छोटी इलायचियां तो तनवीर चबा जाती है। और भाई मैं तो मानती हूँ कि सफाई निस ईमान, और मुझे तो जिस सफाई को आप लोग निस ईमान समझते हैं उसको तो खारिज कर दिया आप लोगों ने मेरे ईमान से। फिर वही बकवास, वही जिद। देखो असमारा, तुम इस वक्त नामुनासिब बात कर रही हो। ठीक है यार, अच्छा भला साफ सुथरा आदमी भी गंदा मंदा लग सकता है, और 100 बातों की 1 बात, अब अच्छे लड़के हैं कहाँ। आप अम्मी सामे अबू सब एक पार्टी बना के बैठ गए, और मैं अबू से कोई बात करूँ तो वो ऐसे हंसते हैं जैसे मैं कोई कॉमेडी कर रही हूँ। इसलिए कि ये कोई ऐसी बड़ी बात तो है नहीं, और बिलफर्ज अगर कभी कभार ऐसा हो भी जाए तो हिकमत में बड़े अच्छे नुस्खे हैं इसके इलाज के। एक दूसरी उठती है जो मेरे दिमाग पर जाकर सवार हो जाती है, फिर वो मेरे अंदर घुस घुस के मेरे सर को नुकीले नाखूनों से कुरेदने लगती है। मेरा दिल चाहता है कि मैं जोर जोर से नंगे पांव चीखती हुई दूर दूर तक भागती चली जाऊं। ऐसी नफ्सियाती बातें मत करो असमारा, इस बात को तो छोड़ ही दो। देखो अगर उन लोगों को पता चल गया ना तुम्हारी दिमागी हालत का, तो एक ही झटके में रिश्ता तोड़ देंगे। अल्लाह का तो बहुत बड़ा एहसान होगा मुझ पे, मैं तो शुक्राने की नफल पढ़ती रहूंगी। मैं आपको बता रही हूँ भूखो, अगर आप लोग अपनी बात पे अड़े रहे ना तो मैं घर से भाग जाऊंगी। अल्लाह मुझे तो डर लग रहा है, ये इतनी वहशत, और ये तुम्हारी आंखें ये इतनी फटी फटी क्यों है। असमारा असमारा पलके झपको झपको पलके। अरे कोई ऐसा वस्ता नहीं हो रहा मुझ पे। अच्छा मेरी एक बात मानेंगी? हाँ बोलो। उसको बताए ना उसके साथ ये मसला है, ताकि वो अपना इलाज करवाए। ये कैसी बातें कर रही हो असमारा, ये बातें होती है दामादों के साथ करने वाली। मैं बता दूँ? हरगिज़ नहीं। मैं तो बताऊंगी, शादी से पहले ये बात जरूर बता दूंगी, इसमें तो उसी की भलाई है ना। अरे ब, 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 ये लड़की भी ना। मोहित जी सर, वो माउथ फ्रेशनर थे ना, अरे तुम तो बहुत छोटी सी हो। इतनी भी छोटी नहीं हो। अफसोस हुआ तुम्हारी डायवोर्स का। अच्छा, मुझे तो खुशी हुई। इस रिश्ते को निभाती रहती तो शायद मैं बहुत नाखुश रहती। अपनी मर्जी की जिंदगी, अपनी मर्जी के फैसले। फिर भी औरत को शेल्टर तो चाहिए होता है ना। वो तो मर्द को भी चाहिए होता है। हाँ, दोनों को चाहिए। देखिए मुझे मालूम है आप किसी कैफे शेफे के बारे में तो बात नहीं करने हैं, इसलिए असल बात पे आ जाओ। हो तो तुम छोटी सी, लेकिन माशाल्लाह बहुत शार्प हो, और होना भी चाहिए। कोई हमारे वक्त में लड़कियां बहुत अहमक हुआ करती और मासूम। मैं खलील की माँ हूँ। ओ, अपनी अम्मी से मिलवा दो हमें। आप मुझसे क्यों मिलना चाहती थी? इस मुद्दे की बात करें। नैनस को बेटा, ये मेरा घर है। एक मजबूत जमे जमाए मर्द के साथ जिंदगी गुजारना आजकल के ऊटपटांग लड़कों के साथ जिंदगी गुजारने से बेहतर है। ख्वाहिशों के लिए दिल नहीं मारना पड़ता, हर चीज जेब में आ जाती। तो आप अपने बुड्ढे बेटे का रिश्ता लेने आई हैं? बाहर लड़कियां ऐसे नेचर और हैंडसम मर्दों पे जान देती हैं। तो आप यहाँ क्यों वक्त जाया करने आई हैं?
अपने मुन्ने का हाथ पकड़े उसको ले जाए किसी फॉरेन कंट्री, और बाय द वे आपको शर्म नहीं आती? हाँ वो ऑलरेडी मैरिड है, औरत हो क्या ये सब कर रही है? वो कौन सा गलत करने जा रहा है? माशरा और मजहब कोई नहीं रोकता उसे। रोकता तो आपको भी नहीं है, बेवा की शादी तो मजीद सवाब होता है ना। हाँ देखो आपके लिए एक अच्छा सा हैंडसम सा मर्द मिल भी जाएगा आसानी से। आप तो माशाल्लाह अभी भी आफत है, स्टाइल भी आप में। बस इस टोन में आज तक कभी किसी ने मुझसे बात नहीं की। भाई मैं तो सारी टेढ़ी औरतों से इसी तरह बात करती हूँ। अपनी पिछली सास को भी मैंने यही कहा था कि अपने बेटे और बेटी की शादी के बजाय खुद शादी कर लें, सारे मसाइल हल हो जाएंगे। बहुत बदतमीज हो तुम। पहले नहीं थी लेकिन शादी की तो अंदाजा हुआ कि बदतमीजी तो ढाल, ये नहीं होगी तो लोग कच्चा चबा जाएंगे। हो सकता है कुछ अरसे बाद जब अपनी पहली शादी की एक्सपीरियंस की करवाहट भूलने लगूं, तब मैं अपनी सास अजीजा सुल्ताना की जरूर शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे लोगों की आंखों में आंखें डालकर बात करने के काबिल बना दिया। अब जाइए यहाँ से, इससे ज्यादा बदतमीजी करने के मूड में नहीं हूँ। और सुनिए आपके बेटे के साथ साथ आपके भी रिश्ते आसानी से मिल सकते हैं बाहर, ठीक है? आजमाइश शर्त है, जाएं। अरे कौन थी ये औरत? बड़ी पैसे वाली और ठसे वाली लग रही थी। अबू के लिए रिश्ता मांग रही थी। हाँ अपनी बेटी के लिए? अपने लिए। मगर तुम्हारे अबू से तो बहुत बड़ी लग रही थी ये। मजाक मत करो, बताओ मुझे क्या बात है। सामिया सामिया हमें बताओ। तुमने जरा मेकअप लाइट किया करो, अजीब लगने लग जाती हो गई। तुम्हें बताए तुम्हारे बात पक्की होने वाले फंक्शन की तस्वीरें देखकर मेरे स्कूल की लड़कियां क्या कह रही थी? क्या कह रही थी तुम्हारी उज्जड़ गवार सी फ्रेंड्स? अब रहने तो गई, हट जाएगी तुम्हारी फजूल में। नहीं क्या जुबान यूज कर रही हो तुम, अजीब गली मोहल्ले टाइप। अम्मी को शिकायत लगाती हूँ तुम्हारी। सभी कह रही थी कि लड़का तुम्हारी बहन से ज्यादा अमीर और शक्ल से खूबसूरत लगता है। खैर मैं तो बहुत अच्छी लग रही हूँ तस्वीरों में। हैं? अल्लाह माफी, तुमने अपनी तस्वीरें देखी थी कितनी एडिटेड थी। मुझे तो अब तस्वीरों पर बिल्कुल एतबार नहीं है। और समरा कह रही थी कि तुम्हारे होने वाले दूल्हा भाई को तो ड्रामो में आना चाहिए। क्या लुक्स हैं भाई उनके, कितने स्मार्ट हैं वो, सबको उड़ाकर रख देंगे। ये तो रिज भाई से भी 100 कदम आगे निकले। क्या बदतमीजी कर रही हो, चलो जाओ यहाँ से, नजर नहीं आ रहा कि मैं मेकअप कर रही हूँ। मजा चखा दूंगा इन लोगों को। आपकी इंसल्ट किया ना इन्होंने। सोचो उस लड़की ने इस बुढ़ापे में मेरे साथ ये बकवास की है। एक बात तो तय है, जिद है मेरी कि उसकी माँ की मैं अब शादी करा कराऊंगा हर हाल में। बच्चों वाली बातें मत करो खलील। एक मिनट, गैरत के नाम पे खलील किसी की जान ले भी सकता है और अपनी जान दे भी सकता है, इन्हें तो मैं नहीं छोड़ूंगा। इजी बेटा इजी, क्या हो गया? मुझे अभी जाना है, अभी और इसी वक्त, और आप मेरे साथ चलने हैं। आइए। क्या हो गया है तुम्हें? आप मेरी जिद नहीं जानती? आप नहीं जानती जब मैंने तय कर लिया तो तय कर लिया, अभी और इसी वक्त चलेंगे हम। मैं गाड़ी निकलवा रहा हूँ, आइए मेरे साथ। तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझसे इस तरह की बात करने की? बेसिकली यू आर कॉम्प्लेक्स। बात पक्की के इवेंट वाले दिन भी ना सब यही कह रहे थे कि लड़की कितनी ऑर्डिनरी है। और लोगों को छोड़ो, तुमने मुझसे खुद ये कहा था कि तुम्हारी सारी फ्रेंड्स यही कह रही। और उसमें मैंने क्या कहा था? हाँ कि मुझे अगर लुक्स के ऊपर जाना होता ना तो मैं रिश्ता कभी करता ही नहीं। मुझे एक ऐसी लड़की चाहिए थी जो मुझसे मोहब्बत कर सके, मेरी माँ की दोस्त बन सके, मेरा ख्याल रख सके, ना तो उसे सिर्फ अपने आप से प्यार। श्वेत तुम यकीन करो मुझे तुम बहुत अच्छे लगते हो, लेकिन यकीन करो ये बहुत बड़ा मसला है। लोग ये कहते हुए इसलिए डरते हैं शायद दूसरा इंसान इससे बहुत ज्यादा रिएक्ट ना करे, पर्सनल अटैक ना समझे। अब देखो ना उस दिन तुमने मलेठी वाले पान खाए तो तुम्हारे मुँह से स्मेल भी नहीं आई।
और हाँ, अपने पास ना एक पाउच रखो, कहीं भी जाओ किसी से भी मिलो, डिओड्रेंट यूज करो, माउथ फ्रेशनर यूज करो। देखो ये मसला किसी के साथ भी हो सकता है, इससे दूसरा इंसान कितना ज्यादा परेशान होता होगा, तुम समझ रहे हो ना? तुम अपने मशवरे अपने पास रखो। समझ गया, मैं बुरा हूँ, मुझसे बदबू आती है, मैं चीजों का ख्याल नहीं रखता, तुम मेरी जान छोड़ दो। तुम्हें लड़कों की कमी नहीं है और मुझे लड़कियों की, ठीक है? लो, उतारो मेरी अंगूठी, वापिस दो मुझे। तुम्हें सिलाई तुमने उनसे कोई रिलेशन बनाया जा सकता? मुझे तो लगता है कि तुम्हारी पूरी फैमिली ही ड्रामेबाज है। बहन साहिबा भी आ गई है, 2-3 महीने में ही तलाक लेते। अपना हाल देखो, उतारो से, अभी उतारो। ये अंगूठी से इतना गुत्थम गुत्था क्यों हो रही है? क्या हुआ, ऐसे क्या देख रही? वो आज तुम बहुत प्यारे लग रहे हो ना, आम दिनों से भी ज्यादा। हाँ, दरअसल आज ऑफिस में एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी तो सोचा कि बंदा थोड़ा बहुत टिप टॉप हो जाए ना। कराया कुछ नहीं, बस हेयर कट और क्लींजिंग, और बंदा जीरो से हीरो। जीरो तो तुम कभी भी नहीं थे। बात तो सही कही तुमने, लेकिन तुम इतनी अपसेट क्यों लग रही हो? इतनी इमरजेंसी में बुलाया मुझे, और देख ले मैडम, इम्पोर्टेंट मीटिंग थी मेरी, फिर भी दौड़ा चलाया हूँ तुम्हारे लिए। आज ये खुशबू कैसी? ये दरअसल वो मेरा असिस्टेंट है ना, मोहिब, उसके किसी कजन ने माउथ फ्रेशनर का बिजनेस स्टार्ट किया तो पब्लिसिटी के लिए उसको ढेरों डब्बे दे जाता है, और वो आते जाते मेरे मुंह में माउथ फ्रेशनर करता रहता। तुमने क्यों बुलाया था? मैं बस तुम्हें देखना चाहती थी। So sweet. Order किया कुछ? नहीं अभी नहीं। मैं तो बेटा, माशाल्लाह, ब्यूटीफुल कपल। परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। आज माउथ फ्रेशनर यूज किया, काफी बेहतर। बस फिर ढेर रखो माउथ फ्रेशनर के। अच्छा और पीछे तो दिखाओ। हाँ ये देखो कैसे। Excuse me. एक 50 साल की दुल्हन, उनको किस तरह का डिजाइन और किस तरह का कलर सूट करेगा वो कोई मुझे दिखा दीजिए जरा। मुझे बताओगे कि तुम कर क्या रहे हो? अभी रुक जाए, बताता हूँ आपको मैं। ये नहीं, ये निकालेंगे जो मस्टर्ड है जिस पर रेड फ्लावर्स बने हुए, ये निकालिए। ये लो। हाँ दिस वन बेटर है, ये पैक कर। लो भाई, अब तुम घुस रही हो नाने के लिए इन टाइम पर। मैं कब से इंतजार कर रही थी, मुझे जाना था। मैं क्या कह रही हूँ पागल, मुझे जाना था नहाने के लिए। बहुत बदतमीजी से जा रही हो तुम ताशी, और तुम ना एक नंबर की चिड़चिड़ी हो गई हो तलाक के बाद। तुम्हारा कसूर है जो तुम्हें तलाक हो गई है। मैं ना तुम्हारे सारे ड्रामे बंद करवाऊंगी। अजीब बुढ़िया से बातें कर रही हो तुम। है तो ठीक है, पीछे पीछे कब से इंतजार कर रही थी। चुप यार भाई, मुझे जाना था नहाने के लिए, खोलो दरवाजा।
जब देखो ऐसी करेंगी। ये जो तुमने इतनी सारी चीजें ले ली है, हम इसे अंदर उठाकर कौन ले जाएगा? अरे माँ जी, आप भी बहुत मासूम हैं। इन इलाकों में पैसों के एवज सब कुछ मिलता है। उतरे। अंदर आ सकते हैं? आओ भाई, लाओ सारा सामान रखो। आप लोग कौन और ये सब कुछ क्या? मेरा मतलब है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आप ज्यादा दिमाग पे जोर न डालो। ये लो बेटा, कुछ खा लेना। वैसे भी कितना काम करता होगा आपका दिमाग, इस उम्र में तो कुछ बचा भी नहीं होगा। आप अहले खाना को इत्तला देंगी या मैं खुद जाऊं बताने? जाती हूं। ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? नहीं अम्मा, अभी देखती जाऊं इनका मैं क्या आशा करता हूं, और खास तौर पे उस जवान की बच्ची का। एक लफ्ज मुंह से निकालने से पहले हजार बार न सोचे मेरा भी नाम। सुनो, बाहर ना एक आदमी आया हुआ है, शक्ल भी अच्छी है, कपड़े भी अच्छे पहना हुआ है, बिल्कुल आमिर खान से मिलता जुलता लगता है, लेकिन ना वो अजीब तरीके से चीख रहा है, कहते है कि सामने की बच्ची को ना मजा चखा दूंगा। वैसे तुमने क्या बदतमीजी की उसकी माँ से? वैसे तुम तो वो भी बदतमीजी एक नंबर की। चखाती हूँ उसको बीस के बच्चे को मैं। कहाँ जा रही हो तुम? याद रखो कि तुम इद्दत में हो, मुलाजमत तो मजबूरी है, लेकिन ये मर्दों के साथ मुनाजरे क्यों? अपने साथ हमें भी जहन्नमी बनाओगी। ताशी ले जाए इसको, बंद कर। चलो, तुमने भी मेरी बहुत ताशी की बच्ची। बंद करो इसे। चलो छोड़ो। तुमने भी मेरी बड़ी काटी की है, मैं तो दूंगी फूफो के साथ। चलो अंदर। चलो चलो चलो। क्या समझती है अपने आप को? ताशी ठीक से बंद करना। कल मुंह ही कहीं की। हाँ करती रहा। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी मां के लिए इतनी गंदी और गलीज जबान इस्तेमाल करने की? मेरी मां की शादी कराने चली है वो। अब मुझे भी जिद है उसकी मां से शादी करूंगा। Thank you.